डॉक्टर सुनीलम, चाहे अनिल त्यागी जी की बात को ले लें, चाहे पुष्पेंद्र जी की बात को ले लें, ये दोनों से यही ध्वनि निकलती कि ये सरकार को कुछ नहीं होने जा रहा है, केंद्र सरकार को कुछ नहीं हो रहा है, राज्य सरकार को कुछ नहीं हो रहा है, तो अब बचा दारोमदार उत्तर प्रदेश का। वहीं अगर किसान आंदोलन कोई बड़ा उलटफेर करने में कामयाब हो जाए तब शायद कुछ वो गेन कर सकता है, अन्यथा ये सरकार ठान चुकी है कि हमें तो किसानों की नहीं सुनना है। तो आपका आंदोलन, आप लगातार आप लोग कह रहे हैं कि हम तो लगातार चलाएंगे, 2024 तक चलाएंगे, उसके बाद जरूरत पड़ी उसके बाद भी चलाएंगे, तो ये आंदोलन इसी तरह से जारी रखना पड़ेगा आपको, इस ये एक हकीकत दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह। मैं एक तो बात ये आपसे कहना चाहता हूं कि अनिल जी बहुत गहराई से जानते हैं हरियाणा को, मेरा बहुत दूर का रिश्ता है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स को इतना समझता हूं कि जब माहौल बदल जाता है तो जो लीडरशिप है उसको बदलने तक की बात आ जाती है, क्योंकि पार्टियों को सत्ता में बने रहना है, और ये मालूम है कि इस तरीके से किसानों के साथ में दुश्मनी करके जाट लगा लो, गैर जाट लगा लो, कोई समीकरण लगा लो, सत्ता के अंदर वापसी संभव नहीं होगी, कोई इक्वेशन काम नहीं आएगी। माहौल जब खिलाफ हो जाता है तो पार्टियों की जमानतें जब्त हो जाती हैं, पूरा मामला सफाया हो जाता है, जैसा इमरजेंसी के बाद में कांग्रेस पार्टी का हुआ था। तो एक मेरा कहना यह है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि समीकरण इस तरीके के होंगे जो अनिल जी ने बताए, लेकिन जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो ये है, ये एक बात है। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो अहिंसात्मक सत्याग्रह का रास्ता है, लेकिन किसी भी दिन अगर अनिश्चितकालीन शुरू कर दिया चक्का जाम, तब क्या होने वाला है? अगर अनिश्चितकालीन ये तय कर लिया कि जितने भाजपा के विधायक हैं उनके घर को घेर करके बैठेंगे, तब क्या होने वाला है? 360 ऐसे तरीके हैं जिससे सरकार घुटने के बल आ जाने वाली है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा क्योंकि अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास करता है, क्योंकि वो इस उम्मीद के ऊपर चल रहा है कि लोकतंत्र के अंदर लोगों की बात सुनी जाएगी, इसलिए आपको हो सकता है ऐसा लग रहा है कि इतना ये लंबा चल रहा है और लोग सुन नहीं रहे हैं। यूपी के बारे में कहना चाहता हूं मैं आपको कि जो बलवीर सिंह राजेवाल जी ने वहां पर बोला कि हमारे को वोट की चोट देनी पड़ेगी जो हमने बंगाल में दी, अब कोई माने ना माने कि बंगाल में तो क्या किसान संगठन था जी, तो बंगाल में क्या हो गया, लेकिन हम लोग तो ऐसा मानते हैं कि हम लोगों ने जब अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनाई थी मंदसौर के गोली चालन के बाद में, और उस समय देश का जो आंदोलन चला उसने मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तीन जगहों पर उसने सरकार बदलने का काम उसने किया था। तो एक माहौल काम करता है, तो अभी जो माहौल है वो माहौल केवल यहां पर असर नहीं डाल रहा है, तमिलनाडु के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के डीएमके ने एआईडीएमके का जो उस समय कानून बना के लागू था उसको रद्द कर दिया, तो इंपैक्ट कहां तक जा रहा है? तमिलनाडु तक जा रहा है यहां के किसान आंदोलन का। एक मैंने आपको एक वोट की चोट की बात की राजेवाल जी की, दूसरी बात मेधा पाटकर जी ने कही, उन्होंने कही कि नोटबंदी का जवाब जो है वोटबंदी से देना पड़ेगा, ये मैं आपको मुजफ्फरनगर की जो है बात आपको बता रहा हूं। ये बात धीरे धीरे बहुत लोगों के नीचे तक जा रही है, और मेरे को कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आपको आने वाले समय में मुजफ्फरनगर से बड़ी महापंचायतें भी आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने मिलें, जिस तरीके से लोग हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं, दिन रात केवल यही है कि हमारे जिले के अंदर आप करा दीजिए और हम जो है आपको एक रिकॉर्ड तोड़ करके हम बताएंगे। तो जब एक भावना काम करने लगती है, और इस समय इस मूवमेंट के साथ में ये केवल मामला जो है इससे बहुत आगे बढ़ गया है, केवल कानून वाला मामला नहीं रहा है, अब ये देश बचाव का मामला बन गया है, ये संविधान बचाव का मामला बन गया है, और इससे तमाम सारे तबके जुड़े हैं, विशेष तौर पर ये जो बेरोजगारों का जो तबका है ये बहुत बड़ा तबका है, और ये इतना निराश और हताश है, और ये इसे लगता है कि एक रास्ता हमारे को दिख रहा है। जो हरियाणा है, मैं उसके बारे में आंकड़ा सब जगह छपा है, आपने भी देखा होगा कि वहां पर 37% के ऊपर बेरोजगारी पहुंची दुनिया में, देश भर में जितनी बेरोजगारी उससे 4 गुना बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है।
तो फिर हरियाणा का जो बेरोजगार नौजवान है वो क्या किसान के साथ खड़ा होने वाला नहीं है क्या? वो होगा, अपने अस्तित्व के लिए होगा। सब लोग अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि उसका एक इस तरीके का असर होगा कि सरकार को का जो एक वातावरण बनेगा इस सरकार के खिलाफ में, तो यूपी के अंदर जो भी विकल्प दे पाएगा, जो कि अभी दिखलाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर सपा के तौर पर, तो मुझे स्पष्ट तौर पर ये दिखलाई देता है कि लोग उसका साथ देने का मन बनाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा किसी पार्टी का प्रचार नहीं करेगा, संयुक्त किसान मोर्चा केवल और केवल भाजपा को हराने की बात करेगा और केवल ये कहेगा कि अपना एक भी वोट बर्बाद मत करो, ऐसे कैंडिडेट को वोट दो अपनी विधानसभा के अंदर जो भाजपा को हरा सके। तो हमारी लाइन एकदम क्लियर है, हमारे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि हम 2022 में योगी सरकार से जो उत्तर प्रदेश के किसानों को मुक्ति हम दिला देंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमार सरकार पे रास्ते पर लाएंगे। एक और बात, केवल एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ आपको कि संघ का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है किसान संघ। किसान संघ ने आज पूरे देश में प्रदर्शन किया, एमएसपी को लेकर के किया, शाम को एमएसपी बढ़ गई, एमएसपी कितनी बढ़ी कि कुल मिलाकर के जो है रियल टर्म्स में हम लोगों ने, हमारा प्रेस नोट अगर आपने देखा होगा तो हमने बताया है कि रियल टर्म्स में मतलब जितना डीजल बढ़ा या जितनी महंगाई बढ़ी या जितना इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति बढ़ी उसके हिसाब से अगर देखें तो रियल टर्म्स में 4% रबी का जो रेट बढ़ाया हुआ है वो भी कम हो गया है। तो ये सब आज अगर प्रेशर काम नहीं कर रहा होता, जो लोग ये कह रहे हैं कि कोई असर नहीं पड़ रहा सरकार के ऊपर, असर तो रोज पड़ रहा है और असर तो लगातार पड़ते रहने वाला है क्योंकि सरकार को जब अपने संघ को अपना संगठन उतारना पड़ा मैदान के अंदर क्योंकि उन्हें लगा कि किसान संघ खत्म हो जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा और इसलिए वो उतरे हैं और वो एक ना एक लेवल पे बातचीत करके कुछ ना कुछ इस तरीके का कि भाई एमएसपी को लेकर के अब हम ये करने के लिए तैयार हैं, भले ही कुछ अपने लोगों से वो बातचीत करें, कुछ ना कुछ अपना करते रहेंगे। तो सरकार के ऊपर तो प्रेशर लगातार बन रहा है और आगे लगातार बनता चला जाएगा, मुझे स्पष्ट दिख रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।